राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में, जो महिलाओं का बहुत ही, आजकल तो हर घर हर महिला का लेके चलें तो रोग बन चुका है। तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं? तो जैसे कि आप सब परिचित हैं इस बीमारी से, और महिलाएं तो कुछ घरों में ये होता है कि वो इस समस्या को कोई समस्या ही नहीं समझती, ये मान लेती हैं कि उम्र के अकॉर्डिंग हो रहा है और सही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे होता क्या है, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, जैसे कैल्शियम की कमी और विटामिन मिनरल्स की कमी और ऊर्जा की कमी, थकान महसूस होना, सुस्ती रहना, तो वो इन चीज़ों को भी, पैरों में दर्द रहना, इन चीज़ों को भी ये लेके चलती हैं कि जैसे एज हमारी 30+ हो गई है, 40+ हो गई है, तो उस वजह से एज के अकॉर्डिंग थकान हो रही है। तो इन चीज़ों को नॉर्मल लेके चलती हैं और कोई उपचार नहीं करा पाती और ना ही ज़रूरी समझती हैं, तो धीरे धीरे ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। इंसान इससे बिल्कुल एकदम दुबला पतला कमज़ोर, एक तरह से कहें तो चारपाई भी पकड़ सकता है। तो इसको इतने हल्के में ना लें भी ये कोई बीमारी बड़ी नहीं है या, और हाँ इतना गहरा दिमाग पे प्रेशर भी नहीं देना है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। होने का कारण मुख्य यूट्रस की गर्मी है। अब यूट्रस की गर्मी की बात करें तो फिर वही बात रहेगी, पित्त बढ़ना। पित्त बढ़ने का कारण खान पान की गड़बड़ी, खराब दिनचर्या, व्यायाम ना करना। एक तो मैं सबको क्लियर कर दूं, कई लोगों की ये मानसिकता रहती है कि हम जो सुबह तेज़ दौड़ते हैं या जिम जाते हैं उस वजह से हमारा हमारा एक्सरसाइज जो हो रहा है वो एक योग का ही काम करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, तो जी नहीं। जिस हम वातावरण में रह रहे हैं, आप वातावरण के अकॉर्डिंग चलिए। यदि आपका वातावरण ठंडा है, बहुत सर्दी रहती है हर टाइम या ज़्यादा महीनों में, तो आप सुबह दौड़ जिम कर सकते हैं। यदि आपका टेम्परेचर कुछ समय के लिए, जैसे बात करें राजस्थान हरियाणा पंजाब इस एरिया की, गुजरात महाराष्ट्र, तो यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा रहती है, सर्दी तो लगभग 2-3 महीने ही रहती है, तो इस एरिया में आपको जहाँ गर्मी ज़्यादा महीने रहे तो सुबह की जो सैर है बिल्कुल आराम से करनी है, धीरे धीरे घुमाई करें और बैठ के प्राणायाम करें, तेज़ दौड़ या तेज़ घुमाई ना करें। इससे आपका वात बढ़ेगा, क्योंकि जो तेज़ सैर करते हैं हम या जिम वगैरह दौड़ वगैरह करते हैं, इससे शरीर का वात बढ़ता है। यदि आपका पहले से बढ़ा हुआ है और आप बोल रहे हो कि इससे तो मैं जब हाँफता हूँ तो बसरिका हो रहा है, जी नहीं, वो बसरिका नहीं हो रहा, आपका वात बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं वो वात बढ़ने पे, वात से 80 रोग होते हैं, तो उनमें से कोई भी रोग होगा तो आगे बहुत समस्या बढ़ जाएगी। आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो, जब तक आप अपना शेड्यूल नहीं चेंज करोगे, आप रोग की पकड़ नहीं कर पाओगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे तो उसका उपचार कैसे करोगे। पहले हमको उस चीज़ को रोकना ज़रूरी है जिससे हमारे रोग की शुरुआत हुई है। बहुत माइनर और छोटी चीज़ें होती है, हम उसको समझ ही नहीं पाते, ध्यान ही नहीं जाता वहाँ पे। अब जैसे आपको बहुत छोटे से उदाहरण दे रही हूँ, जो रूटीन में मेरी आंखों के सामने मेरे घर परिवार में हुए हैं, मैंने देखे हैं। अब जैसे घरों की, पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ, आम यही रहता है कि शाम को जल्दी खाना पक गया तो खाना खा के नहा लीजिए। ये रूटीन में करने से गठिया का कहीं ना कहीं मुख्य कारण और वात के जो 80 रोग हैं उनका मुख्य कारण रहता है, क्योंकि भोजन अच्छी तरह पक नहीं पाता। इसके पहले भी मैं बहुत उदाहरण दे चुकी हूँ, जैसे भोजन जब पक रहा है तो उसको अच्छी आंच पे पकाना ज़रूरी है। हम जैसे ही खाना फिनिश करते हैं अपना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है, जो कि खाना पचाने में सहायक होता है। यदि हमने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिया या नहा लिए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे कि आपका चूल्हे पे खाना चढ़ाया और उसकी आपने अग्नि में पानी डाल दिया, वही काम करेगा। अब अधकचा जो खाना है वो जल्दी ख़राब होगा बजाय पके हुए भोजन के। वैसे ही हमारे शरीर में अधकचा जो भोजन रहा है वो अधकचा ही रस निकालेगा,
उसमें पित्त मिक्स होगा, विषैल, जैसे विष जो हम बोलते हैं, बाहर की सब्जियां जो पड़ी ख़राब हो जाती हैं, अब जैसे गर्मी आ गई, सुबह की सब्ज़ी शाम को ख़राब हो जाती है, उसमें एक जो पदार्थ बनता है जैसे हम विष बोल सकते हैं, तो पेट में भी वह विष बनता है जो कि धीरे धीरे खून में, रस में, मज्जा में, हमारे जो शक्ति है उसमें मिलता है, तो वो हमारी वैसे ही शक्ति गंदी प्रदान करेगा जिससे आगे रोग बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है। अब कई महिलाओं को आप देखना, मैंने तो अपने आसपास और बहुत देखे हैं, खाना खाते ही बोलते क्या है, अन्न खाने पे तो हमें पानी अच्छा लग जाएगा, ऐसे हम पानी नहीं पीते, और खाना खाने के बाद बोलेंगे हम तो जी 1.5 गिलास पानी तो खाना खाने के बाद ही पी सकते हैं। जी बहुत गलत है, आप सोच भी नहीं सकते। या यदि आप मेरी भाषा को, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यदि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये उदाहरण बहुत है आपके लिए भी। खाना अच्छे से पचा नहीं तो रोग का घर होगा ही होगा। खैर, यह तो बात थी खाने की, और आपको एक उदाहरण दिया भी, एक प्रॉपर दिनचर्या, किसी दिन अलग, आज तो ल्यूकेरिया के लिए बात कर रही हूँ, तो उसी का आपको बताऊँगी उपचार, एक अलग से वीडियो रखूँगी जिसमें सुबह से शाम तक का रूटीन बताऊँगी, लगभग आपकी कहाँ गड़बड़ हो रही है। यदि पुराने टाइम से वो चल रही है तो उसको बंद करें। रोग ज़रूरी नहीं एक दिन में हो या 10 साल में हो, रोग बनने में 25-30 साल भी ले लेता है। खुद के परिवार के सदस्यों के आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे यदि आप बोल रहे हो हम तो हमेशा से गर्म चाय की तरह दूध पीते हैं जी, कभी ख़राब नहीं किया, 25-30 साल बाद करेगा, ज़रूरी नहीं आज ही करे, किसी को 6 महीने में ही रिजल्ट मिल जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है टाइम कितने टाइम में ख़राब करे, करेगा, और इतना खतरनाक तरीके से करेगा, हार्ट को, किडनी को, आंतों को, आप समझ ही नहीं सकते। आप इतना समझिए, हमारे जो शरीर के अंदर अंग हैं बहुत नाजुक हैं, जैसे आप नवजात शिशु का ख्याल रखते हैं, उसकी चमड़ी को आप बोलते हैं बिल्कुल नाजुक है, ये तो गर्म पानी से नहीं नहा पाएगा, उसका पानी आप गुनगुना रखते हो कितनी भी सर्दी हो, फिर उसको आप गर्म पानी से क्यों नहीं नहलाते, तो उससे भी नाजुक जो अंदर के अंग हैं उन पे आप बिल्कुल गरम गरम चाय, गरम गरम दूध, कोई अंदर लोहे की पाइप नहीं लगी हुई आपके, जो आप खाना खा रहे हो उसमें गरम गरम डाला और जी हाँ अब शांति आई है, अब एनर्जी आई है, नहीं, अंदर भी उतने ही नाजुक अंग हैं, उनमें इतना गरम ना डालें कि उनको नुकसान हो। आप एक इस तरह से उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए। तो बात करते हैं लिकोरिया की। लिकोरिया होने का मुख्य कारण यूट्रस की गर्मी है, वो आप समझ गए कैसे होगी, किस खान पान से होगी, आपके क्या गलत जो आप कर रहे हैं खाना, या आपका जो गलत रूटीन है उसकी वजह से हुई है, उसका मुख्य उपचार। अब आप कई बार कमजोरी आ जाती है तो ल्यूकेरिया का तो आपने उपचार किया ही नहीं, ऊपर से आप कैल्शियम ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो। तो उदाहरण के लिए बता दूं, यदि कहीं से पानी बहना स्टार्ट हो गया, उदाहरण के लिए यदि आप कोई बांध लगा हुआ और बांध टूट गया, तो उसमें ऊपर से आप कितने ही डालते रहिए, जब तक बांध बंद करने का आप उपचार नहीं करेंगे, लुकेरिया को नहीं रोकेंगे, ऊपर से जितनी मर्जी एनर्जी ले लीजिए शरीर में नहीं लगेगी, ताकत नहीं आएगी। तो लुकेरिया का वैसे तो बहुत से उपचार हैं, ठीक भी उनसे हो सकता है, लेकिन मुख्य जो अपनाया हुआ है आसानी से हर किसी को मिल सकता है, फ्री का उपचार है, कोई इसमें पैसा नहीं है। दो उपचार आपको करने हैं। करना क्या है, सुबह खाली पेट तो आपको दही के अंदर शक्कर मिला के फेंट के खाना है, जो फेंटा हुआ चम्मच से ही फेंटना, उसके जो आपको बर्फी चकियां सी बनती है दही के अंदर उनको फोड़ना है, साबुत चक्कियों वाला दही गर्म करता है, चम्मच से उसकी उसको अच्छे से फेंटे, उसके अंदर हल्की सी शक्कर मिलानी है, चीनी, सीटा मिश्री, गुड़ कुछ नहीं मिलाना, गुड़ की तासीर गर्म होती है, शक्कर मिला के एक कटोरी चम्मच, एक कटोरी दही को आप एक चम्मच शक्कर मिला के धीरे धीरे चम्मच से खाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, दोपहर में आपको जो बड़ी दूधी आती है, बड़ी दूधी बोलते हैं आम भाषा में इसको, और इसका फोटो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ, इस पौधे को आपने, इसका आप बीज भी खा सकते हैं, पत्ता, टहनी, जैसे मर्जी, खाने में मीठा सा होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप खा नहीं सकते। जिस एरिया में खेतों में पानी जहाँ लगता रहता है, आम आजकल घरों में भी बहुत उग रहा है ये, तो ये आप ताज़ा खाइए, ताज़ा नहीं मिल रहा है, ला के कहीं से दूर से आप ला रहे हैं, ताज़ा नहीं रह पा रहा है, तो इसको छांव में सुखा के पाउडर बना ले, एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच शाम को, नहीं तो दिन में 2 बार इसका सेवन करें। बड़ी दूधी, सफ़ेद दूधी के नाम से जानी जाती है, ल्यूकेरिया का सबसे उत्तम उपचार है। इसके साथ आप शीशम के पत्ते 8-10, हल्की सी सीटा मिश्री चबा चबा के खाइए, ये भी बहुत बढ़िया है।
ल्यूकेरिया का तो आप मान के चलिए 20 दिन के अंदर, जो आपको मैंने बड़ी दूधी सफ़ेद दूधी का उपचार बता रही हूँ, 20 दिन के अंदर टोटली क्योर होगी। 1 महीने तो आपने खा लिया तो दोबारा ही नहीं होगी। खाने पीने का हल्का परहेज रखें, थोड़े दिन तला फला ना खाएं, गरम ना खाएं, मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं। नहीं, अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, दिन में 2 बार इसकी एक एक गिट टहनी समेत पत्ते समेत बीज आप चबा चबा के खाएं तो पहले दिन से ही आपको आराम मिलेगा। और इसके और बहुत से फ़ायदे हैं जैसे जो आपको साथ साथ बताना चाहूँगी। एक तो आप इस बड़ी दूधी को, यदि किसी को लूज़ मोशन हुए हैं, गर्मी की वजह से है, किसी वजह से है, रुक नहीं रहे हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बार बार पानी सा लग रहा है, तो आप इसको खाएं। एक बार खाने में ही आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा, आप इसको पशुओं को भी दे सकते हैं। किसी पशु को गर्मी की वजह से, किसी भी वजह से यदि दस्त लगे हैं तो 2-3 पौधे जड़ काट दें, चाहे उसमें कोई परहेज नहीं है, बता दूं, चाहे पशु बच्चा देने वाला हो या दिया हुआ हो, सभी को दे सकते हैं, दस्त तुरंत बंद होंगे। मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी है, पशु को 3-4 पौधे देने हैं जड़ काट के, इंसान को 1 टहनी 2 टहनी या 15-20, यदि कोई बीज और टहनी नहीं खा पा रहा है तो कम से कम 15-20 पत्ते अच्छी तरह धो के। तो आप 15-20 पत्ते अच्छी तरह धो के चबा के खा जाइए, इससे दस्त ठीक होंगे, पेट का दर्द ठीक होगा। यदि बच्चों में पेट का दर्द और दस्त है तो 5-7 पत्ते आप थोड़े कूट के इसका जूस निकाल के बच्चे को दे दीजिए, पेट दर्द तुरंत बंद होगा। और यदि किसी को गर्मी की वजह से उल्टी लगी है तो वो भी ये उपचार करें, तुरंत उल्टी बंद होगी, पेट का दर्द तुरंत बंद होगा। तो मेरा एक ही मकसद है, हर घर में उपचार पहुंचना चाहिए, फ़ायदा हर किसी को मिलना चाहिए फ्री में। ये दवाइयाँ, वैसे तो लुकेरिया की बहुत सी औषधियाँ हैं, कई भस्म हैं, कोई और दवाइयाँ हैं, काम सभी करती हैं, लेकिन ये फ्री का नुस्खा है, हर किसी के लिए काम करेगा। और आजकल लिकोरिया की समस्या हर घर की समस्या बन चुकी है, तो महिलाओं के लिए जैसे ही लिकोरिया ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली शक्ति प्रदान होगी बॉडी के लिए, बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगी। यदि किसी को वैसे भी लिकोरिया नहीं है और शरीर में गर्मी ज़्यादा है, थकान महसूस हो रही है, तो वो भी ये चीज़ खा सकते हैं, आजमा सकते हैं। नुकसान किसी को भी 1% नहीं है। कफ का रोगी है कोई तो भी ले सकता है ल्यूकेरिया के अंदर। तो आपको जानकारी देकर बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, तो हर घर में हर महिला को इसका फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू।